जस्टी भी देख रहे हो तुसी, मैं केपी सिंह टू द पॉइंट तुहाडा सब का स्वागत करदा। इस वक्त अं सिंघू बार्डर से मौजूद हैं, ट्रैक्टर से सवार हैं। जिवें ट्रैक्टर जो स्टार्ट हो जाएगा, ये ट्रैक्टर फिलहाल खड़ा होया, ये जो ट्रैक्टर स्टार्ट होगा उस तो बाद इनके गेयर बदले जाएंगे, तो इस तरीके अंदोलन के गेयर बदले जा रहे हैं। मीटिंगा का दौर जारी है, तो इन्होंने मीटिंगा के विचाले की कुछ निकल के सामने आता है, असं लगातार कोशिश कर रहे हैं कि तुहानूं हर अपडेट दईए। इस अपडेट के विचाले तुहानूं समझ आ जाना चाहिए कि खेती कानूनों का मामला कितना वड्डा है, तो इस पर केंद्र सरकार ते जिहड़ियां किसान जथेबंदियां विचाले बैठक हो रही है उस दे लई की रणनीति घड़ी जा रही है। रणनीति घड़दे आ जिहड़े ओ इन्हां दे आगू घड़दे आ, ते उन्हां आगूआं दे नाल असीं गलबात करन दी कोशिश करांगे। जदों इस कोशिशां दे विचाले जदों इस सरकार नूं वड्डा चैलेंज दे रहे होण, उदों इह समझणा पैणा है कि इस सरकार तों चाहुंदे की है। अगली बैठक तैयार है तो उस दे लई रणनीति घड़ी जा रही है, पर इस रणनीति दे विचाले किस तरीके नाल मंगां रखियां जाणगियां, की एक नकाती प्रोग्राम तैयार कर लिया गया है कि सरकार दे अगे रख देना, तुहाडी प्रपोजल सानू मंजूर नहीं है तो असं उठ के चले हैं, कि इस तों अलावा कोई देश व्यापी अंदोलन के विचाले कोई इन्हां ने फैसला कर लिया जां रणनीति है जिहड़ी इस तों बाद दसी जाऊगी जदों इह बैठक हो जाएगी। सारियां रणनीतियां तैयार कीतियां जा रही हैं, उस सब की कल्ली कल्ली अपडेट जस पंजाबी तुहानूं दे रहा है, तो आओ चलते हैं इन्हां लीडरां नाल गलबात कर। सिंघू बार्डर दे विच अंदोलन चल रहा, तो इस अंदोलन दे विच जिथे आम लोग वड्डी गिणती विच पहुँच रहे आ, उत्थे ओ लोग भी पहुँचे आ जिन्हां ने इन्हां दे खेती बिलां दा खेती कानूनां दा विरोध बड़े जोर शोर नाल कीता सी। डार्को ब्रांच साडे नाल मौजूद है, क्या ब्रांच साहब, जब आपने ये बिल की कापियाँ फाड़ी थी उसके बाद आज तक आपको लगता है कि आगे कुछ हुआ है या नहीं? आज जो देख रहा हूँ काफ़ी कुछ हुआ है, क्योंकि ये सरकार समझता नहीं। हम लोग जो किया, सब पार्टी तृणमूल कांग्रेस ममता दीन हमको यहाँ भेजा, यहाँ सुनने जो क्या बोल रहे हैं। और किसान, मैं तो लास्ट 3 घंटा से आया हूँ, पंजाब के किसान, हरियाणा के किसान सब इकट्ठे, जब बिल पास किया था कम्प्लीटली कोई पार्लियामेंट का कोई एक भी रूल नहीं माना, हम लोग को फेंक दिया पार्लियामेंट से। और आज जो मुद्दा है वो हमारा मुद्दा है, बंगाल से मैं आया हूँ, हमारा वहाँ 35 सांसद है। मुद्दा ही एक है, वे बिल, किसान विरोधी बिल को खारिज करो, वापस लो। अब मुझे दोबारा से वो बता सकते हैं? वैसे तो सारे देश ने वो तस्वीरें देखी, असल में हुआ क्या था वहाँ पे? संविधान के जो हत्या हुआ उस दिन, संविधान की हत्या हुआ, सांसद को हत्या हुआ, क्योंकि वो जो रूल्स है पार्लियामेंट में, कुछ वोटिंग होता है, हम लोग सब ये बिल के विरोध थे, तो हम लोग को वोट नहीं देने दिया, माइक्स ऑफ कर दिया, सब माइक ऑफ कर दिया, ये इमरजेंसी से भी ख़राब था। और हम लोग जो सांसद है, और हम कुछ नहीं फाड़ा, हम कोई कागज़ नहीं फाड़ा, वो भी दिखाया ये फाड़ा, कोई सांसद कोई फाड़ा नहीं, लेकिन हमारे पास तो खबरें यही है कि आपने उसको फाड़ा। बीजेपी का फेक न्यूज़, आप दिखाइए हमको वीडियो, कोई दिखाएंगे जो हम कोई फाड़ा, हम हमारा सांसद से हमें इस्तीफा दे दूंगा, मैं नहीं फाड़ा, वो बीजेपी फेक न्यूज़ उठाया। ये बड़ा मुद्दा जो है किसान के मुद्दा, उसके लिए सांसद में हम लोग जो भी थे, हम लोग थे तृणमूल से 8-10 ऑपोजिशन पार्टी थे, लेकिन ये मोदी शाह तानाशाही के राज चलाते हैं। ब्रांच साहब, जैसे आपने यहाँ पे देखा आंदोलन में जो कुछ हो रहा है, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि बाकी स्टेट्स में ऐसा प्रदर्शन हुआ है, ऐसा रोष प्रदर्शन हुआ है, जहाँ जिस तरीके से बीजेपी इसको प्रोजेक्ट कर रही है कि पंजाब हरियाणा का आंदोलन है सिर्फ? नहीं, बंगाल में ऐसा तो आंदोलन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वहाँ 55 लाख किसान क्रेडिट कार्ड ममता दी किसान को दिया है, वहाँ जो इंश्योरेंस है बीमा, वो इंश्योरेंस किसान को नहीं देना होता है, यहाँ तो देना होता है 50% वहाँ बंगाल में नहीं देने होता है, वो खुद स्टेट गवर्नमेंट ही 100% देता है। तो ये जो है, ये किसान का सिर्फ पार्लियामेंट का आंदोलन नहीं, ये दिल का आंदोलन है। और आज जो देखा, मैं कभी नहीं देखा, जब ममता दी सिंगूर ने किया, आज है आपका डेट क्या है, 4th of December, December 4, 14 साल आगे इस दिन में ममता दी किसान के लिए सिंगूर में 26 दिन का भूख हड़ताल किया था पहले दिन शुरू। तो ये चलेगा। और अमित शाह और मोदी को कान नहीं खुलना है तो कम से कम आके देखो यहाँ क्या हो रहा है। आखिरी सवाल, आपको ये देश का आंदोलन लग रहा है?
आपको ये देश का आंदोलन लग रहा है? जरूर ये देश का आंदोलन लग रहा है, हम तो ये कभी नहीं देखा। ये तो हम तो यहाँ 3 घंटा यहाँ है, हमको तो और 3-4-5 किलोमीटर तो पैदल जाना है। और यहाँ जो मैं देखा हूँ जो सब किसान है, ये 1-2 दिन 3 दिन के नहीं ले, मैं जब सुनता हूँ यहाँ तो 1 महीना भी चल सकता है किसान। ओके, बहुत धन्यवाद आपका। इत्थे लगातार जिहड़े लोग पहुँचते पे, असीं कोशिश कर रहे हैं कि हर एक नाल गलबात की जा सके ते इन्हां दी राय जानी जा सके। कुल मिला के जिहड़ी तस्वीर हुण तक सामने आ रही है, अंदोलन की लंबाई लगातार वधदी जा रही है, दिनों दिन यह अंदोलन लंबा हुंदा जा रहा है। जिथों तक तुहाडी नज़र जाऊगी उत्थों तक तुहानूं सिर्फ पीड़ ही पीड़ नज़र आऊगी, पर इहदे विच सवाल यह बहुत वड्डा हैगा कि जिस तरीके नाल पीड़ आई हुई है कि इन्हां नूं इन्हां खेती कानूनां दे विरोध बारे पता, इन्हां दे विच की कुछ हैगा इस बारे पता, उस दी जानकारी इन्हां कोल है जां नहीं है? ये जिहड़े लीडर हैगे आ इन्हां लोकां नूं जागरूक कर रहे हैं, जिवें जिवें पहुँच रहे हैं इन्हां लोकां कोल, जिवें जिवें गल पहुँचती पई आ, उवें लोक है जिहड़े इस अंदोलन में पहुँचते पे आ। कोशिश करांगे असीं होर लोकां नाल भी गलबात करन दी कि उन्हां दी की राय है, की सोचते हैं ते इस वेले केंद्र सरकार की सोच रही है, ये बहुत वड्डा सवाल है। तो अगे चलदे आ अंदोलन दे विच। इस वक्त जगमोहन सिंह जी साढ़े नाल हैगे आ वीके जो टकौंदा तो। जगमोहन सिंह जी, इस वक्त की मंथन चल रहा है कि 5 तरीक की जी बैठक है उनके लिए कोई वक्री तैयारी करनी पै रही थोनों? देखो जी, असल जी मीटिंग हुई 3 दिन की मीटिंग लाजवाब होए ने, पिछे हटन तैयार सन पर सोधा तक सीमित सन। साड़ी जी पहली शर्त है भी 3 कानून रद्द होने चाहिए ने, वो उन्होंने मनी नहीं। हुण तुसीं देख यो मंथन चल रहा है भी असं यह शर्त ही लगा दिए भी रद्द करने तैयार है, मीटिंग जावे नहीं तो नहीं आवेंगे। इस किसम का मंथन चल रहे हैं, फिर किन्ने कौन उत्थे बोलेगा? एक बंदा बोलेगा, स्पोक्समैन बोलेगा, एक साढ़े तो होर बहुत वड्डा प्रैशर आ गया जिन्हों असं आपके कलावे लैना चाहते हैं कि बहुत सारिया जथेबंदियां हरियाणा तो यूपी च होर आ गई जिहड़ियां जिन्हों असं जॉइंट फोरम का जरा कुल हिंद लैवल का साझा संयुक्त किसान मोर्चा बनाया उसके विच लैके आना चाहते हैं। हुण संयुक्त किसान मोर्चे की मीटिंग होएगी, वो जो हुण आए ने वो उन्होंने किमें लैना है। बाकी साढ़े कुछ मतलब होर जो होर किन्ने असी हाईवे जो ब्लॉक कर सकते हैं आने वाले दिनों, एक नैशनल तुहानू हुणे पता लगेगा, मैं नहीं दस सकता प्रबंध अनुशासन का। असी कौमी पद्धर की भी एक कॉल दी सारे भारत चा कर दो, ये भी शायद ऐलान हो जूगा। इहदा मतलब अड़िके हजे हैगे आ जिस तरीके नाल तुहाडे लीडर ने बाहर आके ये गल कही है कल कि 50% है जिहड़ी सरकार है उन्हां दी मंगां मन्नण नूं तैयार हैगी, पर जिस तरीके नाल तुसीं प्लानिंग दस रहे हो सारी, इस प्लानिंग तो लगता नहीं कि मसले हल निकलूगा? अब मसला हल करने वाले किवें अगे वधांगे? वेखो जिहड़ी नीत हुंदी है ना उहदे च मैथेमैटिक्स नहीं चलदा, 50% नाल नीत उहनां दी खोटी आ। सिर्फ लोकां दा जिहनूं सहयोग दित्ता, तुसीं मीडिया ने सहयोग दित्ता, पिछे यानी देश व्यापी मुहिम बन गई, हर देश मतलब अमेरिका दे विच जिहड़ी अंबैसी भारत उन्होंने घराओ किया, कनेडा च, आस्ट्रेलिया च, यह सारा कुछ जिहड़ा है ना, ये सारे कुछ का सदका बहुत वड्डी विशाल मूवमेंट बन गई आ। इस विशाल मूवमेंट दे डरों वो पिछे हट रहे हैं और सानू लगता भी ये जिहड़ा साडी ताकत आ, जिहड़ी साडी शक्ति आ, जिहड़ा साडा संघर्ष आ, इहनूं होर गोलबंद भी करना, तिखा भी करना है। तो वो जिहड़ी मंग है भी 3 कानून बिल्कुल रद्द होण, 4था जिहड़ा प्रस्तावित बिल है वह खारिज किया जाए, जोड़ा मतलब पोल्यूशन बारे है वो खेती सैक्टर बाहर क्या जाए, ये जो 3-4-5 गलों ये तो बिल्कुल कोई नॉन नैगोशिएबल जिन्होंने अंग्रेजी कहें, ये किसी किस्म का कुछ समझौता नहीं। गलत तो ऐसा लगता टेबल टॉक होनी नहीं चाहिए? नहीं, मैं टेबल टॉक तो एक लांबा नहीं लैना जो गल करनी है, उन्होंने साढ़े को टाइम मंगया, साढ़े को टाइम लिया, पापा एक दिन देने, तुम भी सोचो, असं भी सोच लें, आ गल भी खुली आ, रद्द करने वाली गल भी खुली आ, सोचा असं इस MSP ਨੂੰ ਲੀਗਲਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਵੀ ਖੁੱਲੀ ਆ, ਠੀਕ ਆ, ਖੁੱਲੀ ਆ, ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕੀ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ, ਪਰ ਜੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਦਾ ਹੋਰ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਫਿਰ ਉਹ ਲਾਗੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਨਹੀਂ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਇਜਲਾਸ ਸੱਦਣ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਉਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਲੰਬਾ ਖਿੱਚਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਹੋ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਵੇਖੋ ਜੀ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕੁਛ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਡਾ ਹੀ ਸਾਡੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਲੇਬਰ ਦੇ 40 ਕਾਨੂੰਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ ਖਤਮ ਕਰਤੇ, ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੇ 3 ਬਣਾਤੇ। ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਉਹ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾਇਆ ਉਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨਾਲ ਬਣੇ ਸਨ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨਾਲ ਬਣੇ ਸਨ, ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਖਰਚ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਰੋਲ ਨਹੀਂ ਇਸ ਗੱਲ 'ਚ। ਅੱਛਾ, ਬਾਕੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਅਜਲਾਸ 8-8 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਨੋਟਿਸ 'ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ 12-12 ਵਜੇ ਵੀ ਸੱਦੇ ਗਏ ਨੇ, ਜੇ 1 ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ ਨੇ
आर पार की लड़ाई तैयार ने जो पार्लीमेंट का इजलास वाली गल भी आई कर सकते करनी चाहिए तो हो जूगी। अच्छा मोहन जी मैंने एक गल दसो हूँ जे तुम स्टेज पर खड़ा करके ये पूछा जाए कि आ जो लोग है इन्नी लंबे चौड़े जिन्होंने जाम लाए हुए हैं तो मगर आके इतने खड़े हुए हैं उन्हां लोगों को कंक्रीट गल की तुम दसोगे इस वक्त तुम्हारी पोजिशन की है वो लोगों को गाइड की करोगे? देखो जी अभी तो गल करा कि होर ही आप होर जथे ले गए ताकत करिए जो बोले वर्करा कहना होंगे पर नाल गल कहे असी अगे लग के असी मतलब मर सकते हैं पर जेल च जा सकते हैं पर कानून जोड़े रद्द कराने तो बिना वापस नहीं जाना। बहुत धन्यवाद। जगमोहन सिंह सी इन्होंने साफ तो स्पष्ट कर दिता है कि अंदोलन होर तिखा होगा जथेबंदियों के मंथन लगातार चलते पे इतने जिथे मंथन चलते पे असी इस वक्त उत्थे खड़े हैं पल पल की जानकारी जस पंजाबी तुहानू देने की कोशिश कर रहा है जिहड़ी सटीक जानकारी है इन्हां दा मूड की है सरकार दा मूड की है लोगों का मूड की है सारे मूड नूं समझना पवेगा उस तो बाद सानू ये सोचना पवेगा कि असल विच ये अंदोलन किहड़े पासे जा रहा है ये गलबात किहड़े पासे जा रही है कल्ला कल्ला पॉइंट असीं इन्हां तों लैण दी कोशिश कर रहे हैं तो अगे किहड़े लीडर होर जिहड़े सानू मिलदे आ असीं कोशिश करांगे उन्हां नाल वी गलबात करांगे अगे चलदे। इस वक्त योगिंदर यादव साडे नाल मौजूद हैगे योगिंदर यादव हरां बारे लगातार कहा जा रहा है कि बैठक में क्यों नहीं जा रहे योगिंदर यादव जी सवाल तुहाडे ते उठ रहे तुसीं बैठक में शामिल नहीं हो रहे तुहानूं शामिल होण नहीं दिता जा रहा? मेरे पे सवाल क्या है? वो तो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्लियरली बताया कि मेरा नाम गया और अमित शाह का फ़ोन आया डायरेक्टली अमित शाह ने फ़ोन किया कि बाकी सबको ले आओ जो मर्जी ले आओ मंजूर है योगिंदर यादव मंजूर नहीं है। उन्होंने कहा जी क्यों? कहते पॉलिटिकल है। उन्होंने कहा जी पॉलिटिकल तो यहाँ 15 लोग हैं हनन मौला तो सीपीएम के 8 बार एमपी रहे हैं सबसे सीनियर लीडर्स में से हैं। उन्होंने कहा जो भी हो जाए योगेंद्र यादव को नहीं लाना। फिर हमारे किसान आगुओं ने कहा कि ठीक है उसे नहीं लाना तो हम नहीं जाएंगे हम बायकॉट करेंगे। उन्होंने मेरे को फ़ोन किया मैंने कहा नहीं एक बंदे के लिए बायकॉट ना करो बहुत बड़ा मसला है कोई बंदा इशू नहीं बनना चाहिए हम इसको लड़ेंगे और अगर वो सोचते हैं योगेंद्र यादव के ना आने से बेवकूफ़ बना लेंगे किसानों को ऐसा नहीं होने वाला। आज किसान बहुत स्मार्ट हो गए किसानों के बच्चे बहुत स्मार्ट हो गए कानून समझते हैं और इसका जवाब देंगे। नहीं योगिंदर यादव हम जी अगली बैठक है उनके शामिल होना चाहते हैं जो हजे भी योगिंदर यादव से रोक है? बहुत बहुत सीधा सवाल कर रहा है मैं योगिंदर यादव तुम्हें ये सरकार को तय करना है सर। मैं बिल्कुल जाना चाहता हूँ बातचीत में हालांकि बातचीत में सरकार बातचीत तो कर नहीं रही है नाम के लिए बातचीत हो रही है मेरे को जाने में कोई एतराज़ नहीं है पर मैं नहीं चाहता कि मेरा जाना या ना जाना मुद्दा बने। मुद्दा 3 कानून है बस वही मुद्दा हमें रखना है। योगिंदर यादव नु की लगता है जिहड़े 40 किसान जथेबंदियों के नुमाइंदे उत्थे शामिल होए सीगे कि वो जिहड़ी प्रेजेंटेशन है वो कंक्रीट गलबात है जिहड़ी वो सरकार की समझ में आ गई है जां हजे नहीं आई? सरकार की दिक्कत ये है कि सरकार समझती है कि किसान को अभी भी समझाइश करने की ज़रूरत है। जिस दिन सरकार को ये समझ आ गया कि अब समझाइश का टाइम ख़त्म हो गया अब उन्हें सरकार को समझना है किसान को बताने की बजाय सुनाने की बजाय सुनना है उस दिन मामला बदलना शुरू हो जाएगा। पर अभी तक वो मौका आया नहीं है अभी तक सरकार को एहसास नहीं हुआ है कि ये कानून बदलवाने के लिए किसान आए हैं मुद्दा कानून है इधर उधर के मुद्दों से काम नहीं चलेगा ये सरकार को अभी तक समझ आया नहीं है। जब आएगा तब बातचीत शुरू होगी तो मैं समझता हूँ अभी तक तो सचमुच बातचीत शुरू ही नहीं हुई है सिर्फ चाय पे चर्चा हो रही है। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਾਰੇ ਵੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਬਾਰੇ ਵੀ ਪੂਰੀ ਸਮਝ ਹੈ ਯੋਗਿੰਦਰ ਯਾਦਵ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਇਜਲਾਸ ਸੱਦਿਆ ਜਾਵੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਆਖਰੀ ਹੱਲ ਉਹੀ ਹੈ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਤੇ ਕਰ ਦੇ ਅਗਰ ਕੱਲ ਰਾਤ ਕੋ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਪੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਭਾਈ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਕਰਕੇ ਆਪ ਇਸਕੋ ਰੱਦ ਕਰ ਦੋ ਹਮੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਵਾਨੇ ਹੈ ਚਾਹੇ ਆਪ ਕਾਨ ਕੋ ਯੋਂ ਪਕੜ ਲੋ ਜਾਂ ਘੁਮਾ ਕੇ ਪਕੜ ਲੋ ਜੈਸੇ ਮਰਜ਼ੀ ਪਕੜ ਲੋ ਲੇਕਿਨ हमें तो ये कानून रद्द करवाने हैं इससे मतलब। पार्लीमेंट का इजलास सदन बारे तुम कह के इस अंदोलन तुम खुद ही लंबा खिंचन की तैयारी में इतना नहीं कितने लगते भाई जरा सरकार मौका दे रहे हो जी इतने लोग जोड़े आए हुए हैं वो ये सोचने पर मजबूर हो गया कि पार्लीमेंट इजलास सदन के बहुत वक्त लगेगा तो यहाँ मतलब अंदोलन लंबा चलूगा? सरकार ऑर्डिनेंस से कर देना आज इजलास 10-15 दिन बाद बुला ले ऑर्डिनेंस से आज तो रद्द तो करे सरकार अपनी मंशा तो दिखाए कि वो इस कानूनों को रद्द करना चाहती है। सरकार के पास मंशा दिखाने के 50 तरीके होते हैं किसी तरीके से दिखा पार्लियामेंट के नहीं दूसरे तरीके से कर दे।
इस तो पहले डिमांड क्यों नहीं की कि ऑर्डिनेंस जरिए कर दो तुसी एक बार इस अंदोलन ठल पाओ? हमें तो देखो अपने को मतलब चिड़िया की आंख है, हमें वहां पहुंचना है। जैसे मैंने कहा कान को यूं पकड़ लो चाहे आप यूं पकड़ लो, हमें किसी से एतराज नहीं है। कानून रद्द होने चाहिए, बस इससे मतलब। मैं कुछ आखिरी सवाल लूँगा, मैंने पता तुसी भी इन्हां मंथना में शामिल हो। जोगिंदर यादव, एक खेती कानून दे विच जिहड़े पॉइंट्स तुसी चक्के आ, जिहड़ी प्रेजेंटेशन तुसी दित्ती आ बना के सारी, वह उन्हां दे विच जिहड़े पॉइंट्स तुसी लिखे आ, सोध तक कम नहीं बनता पाया भी सोध करवा ली जाए? क्योंकि सरकार दे पक्षों भी इस विचार मिल रहा है कि सरकार ये भी चाहती है कि पौड़ी तो थले उतरा जाए, पर लगे भी ना पता कि पौड़ी तो थले उतरा जाए। तो लगता है कि यहोजी सैटलमेंट होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? ये सरकार की मुसीबत है कि उतरेगी कितना उतरेगी। शोध से काम नहीं चलेगा, इसलिए कि शोध तब होता है जब आप कहो कि बेसिक कानून सही है, इसमें दो तीन छोटी मोटी गड़बड़ रह गई है, तब संशोधन से काम चल जाता है। यहाँ तो हम कह रहे हैं बेसिक कानून ही गलत है, कानून की नियत ही गलत है, कानून का असली प्रावधान ही गलत है। जब प्राइवेट मंडी बनानी ही नहीं, फिर कानून का क्या मतलब उसके सामने, तो इस संशोधन का क्या मतलब? तो इस कानून की तो मूल भावना जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वही गड़बड़ है। जब बेसिक कॉन्सेप्ट गड़बड़ हो तब तो आपको रद्द ही करवाना होगा, और कोई रास्ता ही नहीं है। नहीं फिर तुसी वो पॉइंटर्स क्यों बना के देते? वो पॉइंटर्स तो अहम मैसेज आ रहा है कि वो सोध लिया जड़े वो तुसी अगे बढ़ना चाह रहे हो। जो लिखा है उसमें कई लोगों ने शायद पढ़ा नहीं होगा, तो बातचीत सामने आ जाएगी। उसका पहला पैराग्राफ ही ये है कि इन कानूनों में इतनी खराबियां हैं कि इसमें कोई संशोधन नहीं हो सकता, इन कानूनों का जो सेंट्रल कॉन्सेप्ट है वही गलत है, इसलिए इन कानूनों को रद्द करो। और बाद में उसे बताया कि बताएंगे हम अपने उसमें कि क्या क्या गड़बड़ियां हैं जिसकी वजह से हम कहते हैं कि कानून ही रद्द होने चाहिए, क्योंकि इस कानून का जो सेंट्रल कॉन्सेप्ट है वही गड़बड़ है, इसके पॉइंटर है। जिहड़े तुसी 10 पन्ने बना के दिते है, इहदा मतलब इह समझ आवे सरकार ने डिमांड की सी इसलिए तुहानू पॉइंटर बनाने पे, असल च तुहाडा मुद्दा इक्को ही है कि खेती कानून रद्द किए जाए। अभी वो पॉइंटर सरकार को ऑफिशियली नहीं दिए गए हैं, इसलिए मैं उसके ऊपर बात नहीं करूँगा। लेकिन सिंपल बात है कि जब सरकार, अब हम कहते हैं रद्द करो, तो रद्द करने के कारण तो बताने पड़ेंगे ना, इस कानून में 1, 2, 3, 4, 5, 6 क्या चीज़ है जिसकी वजह से रद्द करो, वो तो हम बताने। सरकार पहले सोचती थी कि ऐसा बता नहीं सकते, अब हम आराम से बता सकते हैं। तो हमने बताया है, सरकार को गिनाए हैं 10 कारण इसको रद्द करने के, 10 कारण इसको रद्द करने के, 10 कारण उसको रद्द करने के, बस वही चीज़ बताएंगे। एक चर्चा चल रही है जोगिंदर यादव, हो सकता तुहानू मेरा सवाल भी पसंद ना आवे, ये चर्चा चल रही है कि जोगिंदर यादव आपदे आप नू किसानां दा वड्डा नेता इस वक्त बनाउणा चाह रहे आ, मनना चाह रहे आ, इहदे विच जोगिंदर यादव दा की कहना? यह चर्चा शुरू हो चुकी है। ये तो क्योंकि जब बड़ी मूवमेंट होती है कुछ ना कुछ तो बातें चलानी होती है, नहीं तो न्यूज़ कैसे चलेगी। मैं तो छोटा सा किसान हूँ, ना तो बड़ा किसान हूँ ना बड़ा किसान नेता हूँ, किसान भी छोटा हूँ, 4 किले का हूँ जी, 4 किले का किसान, वो भी हरियाणा का, हमारे तो इतनी उपज भी नहीं है, तो मैं तो कोई बड़ा किसान हूँ नहीं, और बड़ा किसान आगू मैं तो अपने आप को मानता नहीं जी। गाँव में रहता हूँ, आज भी मेरे माता पिता गाँव में रहते हैं, तो गाँव देखा है, किसानी देखी है, तकलीफ देखी है, उसके लिए कुछ कर पाऊँ यही इच्छा है। और मेरा मानना है कि जो जितना छोटा होगा वो उतना ही बड़ा काम कर सकता है। चर्चा इसलिए शुरू हुई है, जिहड़े बंदे ने चर्चा शुरू की है वो एक हवाला दे रहे तुहाडे बयानों का, कहिंदे जो तुसी मानसा आए सीगे उत्थे आके तुसी ये बयान दिते कि एक विकटा डिग पई आ, अगली इहदी डिगनी है, वो इस करके वो ये हवाला दे रहे हैं कि तुसी जदों पंजाब दे दौरे ते सीगे वो तुसी बयान दिते है कि एक विकट डिग गई है, अगली विकट ये डिगन की तैयारी है, उस तो बाद ये सरकार है जिहड़ी हलाउणी है। इन्हां तुहाडे बयानां तों उन्हां नूं इउं लगदा पिया कि तुसीं सिर्फ एक सियासी मुकाम हासिल करन दे लई सब कुछ करदे पिओ, इन्हां विच की सच है जोगिंदर? मैं तां इह जानना चाहुंदा। हमने तो बिल्कुल क्लीयरली कहा था मानसा सिरसा दोनों में कि बादलों के जिस तरह से गिराया है उस तरह से दुष्यंत चौटाला को भी गिराएंगे, तब केंद्र सरकार पर फर्क पड़ेगा कि बिल को वापस लेगी। क्योंकि केंद्र सरकार पे आज से 2 महीना पहले हम कह रहे थे कि पंजाब का असर इन पे पूरा नहीं पड़ रहा, हरियाणा में भी इनको एक ही लैंग्वेज समझ आती है, जब इनकी कुर्सी हिलती है तब इनको समझ आता है। इसलिए मैंने कहा कि पंजाब की कुर्सी तो हिला दी, अब हरियाणा की कुर्सी भी हिलाओ, तभी केंद्र सरकार इन कानूनों पर दोबारा विचार करेगी, इनको रद्द करेगी। तो वो जो सरकारों को हिलाना है वो इसलिए ताकि ये कानून को रद्द करने के लिए प्रेशर बने।
एक आखिरी सवाल, हरियाणा दे विच जिस तरीके नाल जे जे पी वालों बैठक की जा रही, जिस तरीके उतों संकेत मिल रहे हैं, तुसीं वी उन्हां दा घर घेर के बैठ गए सी उत्थे, जगिंदर यादव जे जे पी दा अस्तीफा देण दे नाल जां जे जे पी दा सरकार तो बाहर आउण दे नाल मसला हल हो जूगा? बीजेपी पे प्रेशर पड़ेगा, जैसे राजस्थान में उनका एक एलआई है जो कह रहा है मैं बाहर जाऊंगा, इन चीज़ों से बीजेपी पे आज से अब 8 दिन का तो ये प्रेशर हो गया, इससे पहले इन पे सिर्फ एक चीज़ का प्रेशर था कि हमारी कुर्सी कहाँ हिलती है, जहाँ जहाँ इनकी कुर्सी हिलती है इन पे प्रेशर पड़ता है, इसलिए हमने सब तरफ से कोशिश की है, सब तरफ कॉल दिया है कि सब तरफ इनकी कुर्सी हिलाओ, कुर्सी हिलाओगे तो इन पे असर पड़ेगा। देश के बाकी हिस्सों के विचों किसान इतने पहुँच रहे हैं? बिल्कुल, अभी तो किसान आगू पहुँच रहे हैं, थोड़े छोटे छोटे जत्थे पहुँच रहे हैं क्योंकि ट्रेन चल नहीं रही है, ज़्यादा संख्या में आ नहीं पा रहे हैं, लेकिन हरियाणा से तो बहुत अच्छे अब तादाद में लाने शुरू हो गए हैं और उत्तर प्रदेश से भी शुरू हो गए हैं, धीरे धीरे अब राजस्थान में पंचायती चुनाव खत्म हो गए, राजस्थान में भी शुरू हो जाएंगे। बहुत धन्यवाद योगिंदर यादव। योगिंदर यादव स्वराज इंडिया के मुखी है, तो योगिंदर यादव संयुक्त किसान मोर्चा के भी शामिल है। बहुत सारे सवाल है योगिंदर यादव हरा तो पूछने लाजमी सी, क्योंकि इसनों कित सियासी तब्दीली के रूप में ता नहीं इस अंदोलन में देखा जा रहा है, कित अंदोलन में ली तो लाने की तैयारी तो नहीं की जा रही, क्योंकि सियासी आगुओं के उत्ते जिस तरीके सवाल उठ रहे हैं कि सियासी आगू अपने मनोरथ लिए इस अंदोलन वरत तो नहीं रह गए, ये सारे सवाल असी लैन की कोशिश की है, जेडे कुछ पॉइंट्स है जेडे सरकार दे नाल इन्होंने सांझे करने हैं जां कीते है उन्हां दे उत्ते भी सवाल बहुत सारे बरकरार हैगे है, पर जिस तरीके नाल ये केंद्र सरकार दे उत्ते प्रैशर टैक्टिक्स वाली गल की जा रही है, वो प्रैशर किन्ना काम करेगा, पॉलिटिक्स दे विच प्रैशर आ जिहड़ा वह बहुत वड्डा रोल अदा करता है, तो पॉलिटिक्स दे विच प्रैशर ते परसैप्शन दो चीज़ां ने जिहड़ा फैसला कर दियां ने, ते हुण किसान अंदोलन दे विचाले केंद्र नाल बैठकां दे विचाले ये प्रैशर टैक्टिक्स किन्ना काम करेगी, इस अंदोलन दे विच होर लोकां नाल भी असीं गलबात करांगे, होर शख्सियतां नाल भी गलबात करांगे, अगे चलदे लगातार असीं लीडरां नाल गलबात कर रहे हैं, किसान जथेबंदियां इस वक्त किहड़े मूड विच हैगियां, हरमीत सिंह कादियां इस वक्त साडा मौजूद हैगियां, कादियां साहब मंथन तुहाडा लगातार जारी है, दिन होवे रात होवे मैं लगातार तुहाडियां बैठकां देख रहा, उदो सरकार की कर रही है असीं वह भी देख रहे हैं, लोग की सोच रहे असीं वह भी देख रहे हैं, कादियां साहब मेरा सवाल यह है कि सरकार जिहड़ी गलबात दी टेबल ते तुहानूं बिठाई बैठी है उहदे विच कोई हल निकलदा नज़र आ रहा जां नहीं नज़र आ रहा, क्योंकि तुहाडे कुछ लीडरां ने साडे कोले कैमरे ते आख्या कि 50% आ जिहड़ा तकरीबन मामला सुलझ चुकिया। देखो जिहड़े आपां कंध भरन लगदे आ थोड़ी थोड़ी मार के इट तोड़दे आ ते उह टाइम तां लगदा ही है, जिन्ने स्ट्रोक मारांगे उन्नी उन्नी टुटूगी कंध, तो असीं लग्गिया वी सानूं पाड़ पाउण ते नेड़े पहुँच गए हाँ, हुण कंध 'च पाड़ पै जूगा, कानून वापस हो जाणगे, तो पर मंथन हर पॉइंट ते करना पैंदा, कितें ना कितें कोई गलती ना रह जाए, कितें साडे कोलों वर्ड्स इहो जिहे ना एक्सचेंज हो जाण उन्हां नाल भी साडा ही वर्ड फड़ लैण, क्योंकि असीं तां हैगे हाँ खेतां 'चों आए, तो वो आई एस अफसर ने जिहड़े मूहरे बैठे आ, एक एक गल साडी बॉडी लैंग्वेज तक देखते पए आ भी कितें तक इह मनदे आ कितें तक नहीं मनदे, वो एक बहुत जरूरी चीज़ होंगी जी, दुबारा दुबारा सानू समझाउणी पैंदी आ आप सारिआं नू भी आपां अनुशासन रखीए, मीटिंग दे विच भी अनुशासन रखीए, गल रखण दा वैल्यू रखीए, तो घट तो घट बोल के ते वध तो वध बैनीफिट लैण दी कोशिश करिए, क्योंकि वो वर्ड्स हुण कैच करन लग गए साडे, असीं एक भी कोई वर्ड कहने फिर उधर नू लै जांदे हम तां 7 घंटे जिहड़ी तुसीं कहिंदे हो मीटिंग चलदी हो इस करके चलदी कि फिर एक वर्ड इहो जिहा कहा जांदा फिर वो जाण के उधर नू लै के जांदे ने, क्योंकि वो डिप्लोमैटिक तरीका जाणदे ने साडे नालों वध भी किवें वर्ड नूं घुमाउणा ते किवें उहदा मधाणी चलाउणी आ, उद्दां चला दिंदे ने, उह लोड़ नहीं हुंदी उह वर्ड्स दी कई वारी एक्सचेंज करन दी, उह मंथन आ इक तरह दा, ते वैसे असीं काफ़ी हद तक आ गए, क्योंकि पहलां इह सरकार कह रही सी वी असीं कानून इन्ना वधिया कढ़िया वी किसानां नूं बहुत फायदा होऊगा, बड़ा इहनां दा फायदा, इहनां नूं समझ नहीं आ रही, इहनां ने पढ़िया नहीं है, फिर कहण लग गए सियासी, फिर कहिंदे खालिस्तानी ने, फिर हुण कड़े कोड़े इह मन गए आ वी असीं अमेंडमेंट करन नूं तैयार हो गए, कल इह शर्तां दे आ गए, एंड चीज़ तोमर जी ने बयान दित्ता वी उन्होंने क्वेश्चन लिखते भी हाँ आ तुहाडे 7-8-9 पॉइंट जिहड़े आए ने, 17 पॉइंट पहला दिते हुए 9 पॉइंट होर निकले आए, 26-27 के नेड़े पॉइंट निकले आए, हुण तां मैं यही कहूँगा भी गड्डी टुटी पई है इहनूं रिपेयर करन दा कोई फायदा नहीं, टायर ला लोंगे कदी बोनट टुट जूगा, अग्गों इंजन करोगे तो पिछों एक्सल टुट जूगा, वी चुप करके गड्डी आपां कढ़ीए बाहर, तो जे कोई इहो जी बणदा लॉ तो कोई लीडर आए हुए सारे हिंदुस्तान के भारत के तो वह बैठ के नवां रिफॉर्म कढ़न इहनूं वापस लैण, रिपेल ही होगा, यह कानून रखण वाला है नहीं। तुसीं तोमर साहब का जिक्र किया, तोमर साहब ने उस बैठक तो बाद एक गल कही है कि 5 दिसंबर में जिहड़ी बैठक होनी है वो उन्हें दे विच हल निकलूगा, तुसीं इस नाल इतफाक रखते हो? तोमर साहब जिस तरीके नाल सोच रहे हैं वो तां ही सोच रहे हैं ना, तुहाडे नाल बैठक हुई है, बैठक तो बाद वो बयान दे रहे हैं, यदा मतलब गलबात है सिरे लगन वाली है, तोमर साहब के बयान तो सानूं इउं लगता, तुहाडे बयान तो सानूं इउं लगता कि अजे वक्त लगेगा?
नहीं वक्त लगेगा जी, रोप पुलिंग है जी, और जिदा हटते हुए सह चढ़िया हुआ उन्होंने, फिर तो आप खिंच लाँगे रस्सा, नहीं हाले रस्सा सानू तो ऐ लगता भी बराबर ही फड़िया हुआ, थोड़ा जहा लैके आया दो कदम ही पट्टिया, शायद पट्टिया जाए, ये तो हम सकिंटा मिनटा का नहीं पता होंगे, जो रोप खिंचते होंने भी यह पट्टिया जा सकता लाइन तो अगे लियावे तो नहीं लियावे, हूँ इस तरह की रेस लगी हुई है, हूँ बार बार वो गल्ला करता फायदा नहीं भी कि पॉइंट्स ने किदा ने, हूँ तो असं भी कहवा भी हूँ सानू दुबारा डिस्कशन ना पाउन, फिर रिपेल करके रिपेल करते रीजन ये ना कहने भी हूँ दोबारा डिस्कस कर लो, हूँ दो तीन मीटिंग चंकी तरह डिस्कस हो गया, एक एक पॉइंट का डिस्कस करना से वो सत्त घंटे इन्होंने कर लिया, हूँ रिपेल ही होना। कादिया साहब मैं पहला भी थोड़े कुछ लीडर ये सवाल किया, वो लोग जोड़े वही गिनती बहर आ तुम देखते पे हो जे बहर बैठे आ, इन्हों जे हरमीत सिंह कादिया ने जाके दसना हो भी असी हूँ कितने तक पहुंचे, क्योंकि उन्होंने नज़र थोड़े वाल है, वो वार वार पूछ रहे हैं, तो आ जो इंटरव्यू वो सुन भी रहे हैं, उन्होंने की कहना चाहोगे? उन्होंने कह रहे हो डटे रहो, लंबा दम रखो, भन्न लगे हुए कंध मोरा कढ़न लगे हुए जिमें भी कढ़ देंगे। चलो बहुत धन्यवाद हरमीत सिंह कादिया। हरमीत सिंह कादिया साढ़े नाल मौजूद सीगे, तो इन्हां तों असी सवाल जिहड़े लिते आ लोगों के सवाल लै रहे हैं, सरकार की कर रही उन्होंने सवाल लै रहे हैं, इन सवालों के जवाब जोड़े मिल रहे हैं उतों इं लगता पै कि हजे वक्त लगेगा, पर जिस तरीके गलबात अगे वही पी है उस तो इं लगता पै कि डायलग जोड़े हो रहे हैं उस डायलग के विचाले इं लगन लग पाया कि जोड़े पॉइंट्स हैं उन्होंने चर्चा इन्हों की समाप्त हो चुकी है, हूँ फैसला होना बाकी है, फैसला देरी नाल किया जाता है, जल्दी किया जाता है, फैसला ये केंद्रीय मंत्री कर पाते या नहीं कर पाते, बहुत सारे सवाल है, उन्होंने सारे सवालों का जवाब लभन की कोशिश कर रहे हैं, आओ अगे चलते हैं। असी लगातार गलबात करने की कोशिश कर रहे हैं बीके यू एकता उगराहां दे जोगिंदर सिंह उगराहां इस वक्त साडे मौजूद है, उगराहां साहब तुहाडी लाइन इस वक्त की है, जो सरकार बैठक कर रही है, जो हुण तक मंथन होया तुहाडी लाइन की है? हुण साडी लाइन सिर्फ एक ही आ कि असी जिन्ना चिर कानून वापस नहीं होंगे उन्ना चिर जाते नहीं, सारे के सारे कानून वापस कराने ने, एम एस पी का कानून तो सरकारी खरीद का कानून बनवाना, ये जिन्ना चिर ये सारे काम नहीं होंगे उन्ना चिर असी जाते नहीं, उन्ना चिर असी अड़े रहा। उगराहां साहब एक सुनेहा यह जा रहा जिस तरीके तुम कह रहे हो एम एस पी का कानून बना, सुनेहा यह जा रहा कि खेती कानूनों के सोध कराने तुम राजी हो, एम एस पी का कानून बन जाए फिर अंदोलन खत्म हो जाएगा, यह सुनेहा क्यों जा रहा? देखो ये पता नहीं हूँ ज्यादा जथेबंदियां ने वर्कर कह देने, हो सकता वर्करों के हो सरकार करने तैयार है, एम एस पी के कोई सोध करनी कानूनों के इन्होंने कानूनों को कोई सोध करनी अमेंडमेंट करने वास्ते सरकार तैयार है, पर अमेंडमेंट करने की साड़ी तो मंग ही नहीं, साड़ी तो मंग ये है भी इन्हों खत्म करो, अमेंडमेंट की है, अमेंडमेंट तो किदे दे करदे आ, जिहड़ी गल इन्होंने कही है भी असं एम एस पी जारी रखांगे सरकारी खरीद जारी रहूगी, ये तो इन्होंने कल भी कही है तो पहले भी कहते हैं, कोई नवी गल जानी कल आई नहीं, इस करके साड़ी यह पॉलिसी है भी असं इन्हों रद्द कराए बगैर मुड़ते। बहुत धन्यवाद उगराहां साहब, इन्होंने बैठक में शामिल होना, असी कोशिशां कर रहे हैं लगातार कि गलबात की जाए इन्ह सारे आगुओं के नाल, इन्ह के विचार जाने जाण, तो इन्ह के विचारों तो बाद सानू समझ आऊगा कि असल में अंदोलन किहड़े पासे जा रहा, कोशिश कर रहे हैं कि होर लीडरां नाल भी गलबात करांगे। किसान आगू नाल साडी गलबात लगातार हो रही है, तो इन्हां दे विच इक होर आगू का नाम शामिल हो गया कमलप्रीत सिंह पन्नू, किसान संघर्ष कमेटी पंजाब के कन्वीनर ने। पन्नू साहब तुसीं भी उन्हां बैठकों में शामिल हुंदे आए हो, बैठते विचों कुछ निकल के ये चीज़ सामने आई है कि सरकार हुण तुहाडे सवालों के जवाब देन लगी है या नहीं? पहली गल यह जिन्नियां पहलों मीटिंगां सरकार ने कीतियां, खास तौर पर जिहड़ी एक दसंबर वाली मीटिंग सी, सरकार ते प्रैशर हैगा अंदोलन का, एक दसंबर वाली मीटिंग च सरकार इक्को ही गल बोली केंद्रीय मंत्री ने, खेतीबाड़ी मंत्री ने नरेंद्र तोमर ने, कि तुसी एक चार मैंबरी पांच मैंबरी कमेटी बना दो, वो चार पांच मैंबरी कमेटी सरकार ना बैठ ले, बैठ के जिहड़ा इन्हां कानूनां दीआं मद्दां वा वो कल्ली कल्ली मद ते बहस कर ले, अपने सुझाव दे दे, असी वो ये गल रद्द करती कि असी कलोज टू कलोज बहस करना नहीं चाहते, असी समुचे कानूनां नूं रद्द करना चाहते हाँ। जिहड़ी कल वाली मीटिंग है 3 तरीक की, वो जिहड़ी नवीं गल हुई आ कि पहली वारी सरकार इन्हां बिलों के उत्ते बोली आ, जिहड़ी पहलों चुप चुप सी, सिर्फ सानू बुलाउंदे सी, साडी गल सुणदे सी, पर कल वो इन्हां कानूनां ते बोल के जिहड़ा संजय अग्रवाल जिहड़ा सैकटरी आ खेतीबाड़ी का, उन्हें लगभग 40 मिनट अपनी गल रखी आ, इहदे फायदे गिणाए आ, जदों उन्हें 40 मिनट बोल के फायदे गिणाए आ, तो फिर असीं अपनियां जथेबंदियां वल्लों ये गल रखी आ कि वो जे फायदे गिणाए आनताइया गणाइया ऊनताइया गणा के कमियां गणा के दसिया कि आ कमी हैगी
उस तो बाद उन्होंने ब्रेक पा ली, 15 मिनट की 20 मिनट की ब्रेक पाई, तिने मंत्री चले गए। 20 मिनटा बाद फिर आ गए, 20 मिनटा बाद आ के कह लगे कि तुम जड़िया ऊनताइया गणा रहे जे सरकार अपना मन इतने खुला रख रही है। प्रभाव की देना चाहते सी, प्रभाव वो देना चाहते सी कि असी तुहाडियां इस सुझावों जिहड़ियां तुसीं कमियां गिणा रहे जे इन्हां नूं असीं अमेंडमेंट के रूप च लै लैंदे आ, जदों कि साडा इहदे च अमेंडमेंट कराउण दा कोई एक भी नुक्ते ते कोई साडी राय नहीं गी। असीं इन्हां कानूनां नूं समुच्चे रूप च रद्द कराउणा चाहुंदे आ। इस करके उन्हां ने यह कह दिता कि तुसीं भी अपनी सलाह मशवरा कर लो, असीं भी कर लीए, तो अगली मीटिंग 5 तरीक नूं होगी। जिहड़ी 5 तरीक नूं असीं मीटिंग करन जा रहे हां उहदे विच वी साडा एक नकाती प्रोग्राम आ कि तिने कानून रद्द किए जान। जिन्ना चिर तक ये 3 कानून रद्द नहीं होंदे साडा अंदोलन जारी रहेगा। असी इहदी रूपरेखा इहनूं होर तिखा करन लई, इहनूं सारे देश च खिलारन वास्ते वह अहीं योजना बना रहे हां। अनु साहब तुसीं कह रहे हो एक नुकाती तुहाडा प्रोग्राम होगा, इहदा मतलब दोवे तुसीं बैठक में शामिल होवोगे ते 10 मिनटां बाद बाहर आ जाओगे? असीं जाके सुनना कि सरकार प्रपोजल की लैके आई है। जे सरकार प्रपोजल साढ़े हक की नहीं लैके आई तो फिर असी उन्हूं कह के उठ के आ जावांगे। तो दोबारा उन्होंने तुहानूं कहा आपां जिहड़े नुकते तुसीं सांझे कीते उन्होंने ते दोबारा डिस्कशन कर लईए? फिर असीं दोबारा डिस्कशन करन नूं तैयार नहीं। एक बार असीं उन्हां नाल डिस्कशन कर ली आ, बार बार अं उन्हों गलों के उत्ते वो रैपीटेशन दोहराने लई गल कर बार बार उन्होंने दोहराने लई तैयार नहीं। असी कमलप्रीत सिंह पन्नू का निजी फैसला या समूहिक जथेबंदियों का फैसला संयुक्त किसान मोर्चे का? यह साडा 30 जथेबंदियों का फैसला जिन्हों अं संयुक्त मोर्चे च पास करा लेना। बहुत धन्यवाद पन्नू साहब। पन्नू साहब ने बहुत साफ तो स्पष्ट शब्दों में यह गल कह दी है कि एक नुकाती प्रोग्राम आ हुण। एक नुकाती प्रोग्राम मतलब एक सिंगल लाइन दो टुक गल अंदर जाके कही जाऊगी कि डिस्कशन नहीं हुण हल चाहिए। पन्नू साहब ये गल साडे कोल कह गए है, उस तो बाद इन्हां जथेबंदियों का अगला फैसला की हुंदा, किस तरीके नाल इस ते मंथन हुंदा, उसका इंतजार असीं करदे रहांगे। पर लगातार तुहानूं अपडेट दिंदे रहांगे कि किसान जथेबंदियां बैठक लई की तैयारी कर रही हैं ते केंद्र सरकार की तैयारी कर रही है, वह भी तुहानूं असीं लगातार दस रहे हैं। अगे चलदे तुसीं सारे लीडरां दी गलबात सुनी है ते इस गलबात तो बाद जिहड़ा अखीर ते गुरनाम सिंह चड़ूनी साडे नाल मौजूद हैगे आ। गुरनाम सिंह जी, सर 3 कानून वापस लैने ये तुहाडा मुख एजेंडा हैगा? नहीं, MSP गरंटी का कानून बनवाना ना वो नहीं छड़ना, किसी हालत नहीं छड़ना। मैं फिर स्पष्ट कर रहा जी घूम घूम के गल आ 3 काले कानून 3 काले कानून MSP गरंटी कानून नाल 3 कानून वापस, 4th कानून नवा। ये 4th कानून नवा तुसी ये डिमांड अगे रख चुके हैं कि 4th कानून नवा नाल चाहिए? बिल्कुल, बार बार रख चुके हैं, कल स्पष्ट कर चुके हैं। तुसी अपनी सलाह कर लियो, इन्हों तो घट फैसला कौन जो होना, कल सारा मंत्रियों दसता से नहीं। जिहड़ी प्रपोजल तुहाडे सामने रखणगे बैठक दे विच, उस प्रपोजल दे उत्ते तुसी सहमति उदों ही जताओगे जो पार्लीमेंट इजलास की गल होगी जां इह खेती कानून रद्द की गल होगी? किस ते तुसी सहमति जताओगे? जदों साडी मंग पूरी मन के कानून बन जाएगा उदों हटांगे। ये एक रात च बना सकते हैं, रात नूं 2 बजे सुप्रीम कोर्ट खुल सकता है, ठीक है। ये एमरजेंसी जिहड़ा है वह अध्यादेश लिया सकते हैं करोना दे विच, ये रातों रात मीटिंग नहीं बुला सकते कि तो धर्मराज को आने ने, चंद तो आने ने, इतने ही ने सारे MP दिल्ली के बैठे ने, जो मर्जी मीटिंग बुलाए कर दो, पास कि रोकता है। जे उन्होंने तुहाडे अगे फिर यह रखिया भी आप डिस्कशन कर लिए जिहड़े पॉइंटर तुसीं उन्होंने बना के दिते है, फिर तुहाडा फैसला की होगा? वह तो फिर अगे देखांगे, उस तो बाद ही कुछ कह सकते, उस तो बाद हुण की कहीए उहदा। नहीं, तुहाडे मंथन दे विचाले जो साडे कोले खबर निकल के आई है वह यह कह रहे हैं, तुहाडे लीडर कुछ कह रहे हैं कि एक नुकाती प्रोग्राम है साडा, जे सानूं उन्होंने दोबारा कहता डिस्कशन करदे हां असीं उठ के बाहर आ जाणा, कि इहो जिहा फैसला लिया तुसीं? इहो जिहा मैं उस मीटिंग दे विच नहीं सी, पर उस तों अगे कोई गल दा कोई मतलब भी नहीं बचदा, वापस आ जाओ। ये मतलब 2 बजे तुम बैठक में जाओगे तो जे सरकार ने तुम्हें दोबारा डिस्कशन लिए किया तुम उठ के बाहर आ जाओगे? देखो कई बारी योजे पॉइंट आते हैं कि कोई गल करनी रहेगी वो तो फिर उत्थे ही फैसला लेना पेगा, मतलब ये नहीं है भी कोई गल मन भी रहे ने आप फिर भी बायकाट कर देंगे। ये हो सकता है कल शाम तक ना सिरे लगे 2 घंटे की डिस्कस बाकी बजे, वो चीज़ा तो उस टाइम देखी जाएंगे। गलबात दरवाजे खुले रहेंगे या गलबात दरवाजा कल बंद कर दोगे? ये कल ही पता लगेगा इन्हें, हूँ मैं की कहाँ। तुहाडे वल्लों ये आखिरी गलबात है क्योंकि तोमर साहब ने जिस तरीके का बयान दिता है उन्होंने कहा भी असी सिटे ते जावांगे कल, हो सकता है चले जाण, पर मैनूं उम्मीद नहीं है सिटे ते जाणगे, मैनूं ये लगता है घुमा रहे ने। जे ना होया फिर की करोगे?
यार फिर तो अंदोलन चल रहा है, इन अगे वधावे। इस तो अलावा कोई होर तुहाडी बैठक दे विच एक डिस्कशन हुई है, जो साडे कोले खबर है डिस्कशन हुई है, कोई देश व्यापी एक वक्री कॉल दिती जाऊगी, कि ये प्लानिंग हो रही है? कोई देश व्यापी कॉल, दो कॉलां ने देश व्यापी, एक पुतले जलाण की, दूजा 8 तरीक न पूरे देश बंद। इस तों अलावा कोई कॉल नहीं होर? अजे नहीं। चलो बहुत धन्यवाद। ये सन गुरनाम सिंह चडूनी, जिन्होंने साफ कर दिता है कि बहुत सारे संभावनावां जिहड़ियां मौके ते फैसला किया जाऊगा। असी वार वार इन्हां तों सवाल करन दी कोशिश की है, हालांकि इन्हां दे जिहड़ी बैठकां दे विच मंथन होया, उस मंथन दे विचाले बहुत चीज़ां जिहड़ियां साडे कोले बाहर निकल के आईआं। कुल मिला के तस्वीर यह साफ हुई है, सारे लीडरां नाल गलबात करन तों बाद इन्हां दा एक नुकाती प्रोग्राम यह बनिया कि तिन्ने खेती कानून जो तक रद्द नहीं होंदे, चडूनी साहब ने जिहड़ी गल विच ऐड कीती है MSP वाला कानून, गरंटी वाला कानून सानूं चाहिए, उसका एडिशन असी मन के चलते पे हैं। पर सवाल यह है कि केंद्र सरकार ना गलबात तो पहला जिस तरीके नाल इन्हां दे तिखे तेवर नज़र आ रहे हैं, उस तो संभावना यह सामने आ रही है कि सरकार नू कुछ ना कुछ प्रपोजल जिंदा कोई हासिल हुंदा होवे वो इन्हां अगे रखनी पवेगी, उस दे नाल ही गलबात सिरे चढ़ेगी। पर जिस तरीके नाल इस तो पहला बैठकां हुई हैं, तो वह बैठकों के विचाले जिहड़ी मैराथन बैठकां हुई हैं उन्हां विच की निकल के सामने आया, तुहाडे सब कुछ सामने है। पर इन्हां दी बैठक तो बाद ये साफ हो गया कि इस तो घटते मनन वाले नहीं। इस तो अलावा इन्हां दे लीडरां ने यह भी कहा कि असी होर जत्थियां नूं भी कह दिता कि तुसीं इत्थे पहुँचो। कुल मिला के अंदोलन फिलहाल तिखा, पर केंद्र सरकार का रुख की रहिंदा साडी उस ते भी नज़र आवेगी। अज लई सिंघू बार्डर तो इन्ना ही, धन्यवाद।